हूँ मेरे नाम जमीन है, मेरे नाम डायरेक्ट पेमेंट आ गई, मैं प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दादे नाम जमीन खड़ी है, दादे दे अगे चार बेटे हैं, उन्होंने अगे दो दो बेटे हैं, हूँ खेती उन्होंने चो दो कर रहे हैं, पेमेंट कि खाते जाएगी। ये मतलब जी डायरेक्ट अदायगी है, ये परिवारों से भी कलेश पाएगी, समाज से भी कलेश पाएगी, क्योंकि इन्होंने सरकार को लग रहा है भी कित ना कि जोड़े आढ़ती हैं यही इस अंदोलन पुशअप दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं। सो जे रूल्स लेके आ रहे हैं, एसी कमरे बैठ के जोड़े रूल ड्राफ्ट करते हैं, ये जी आम लोग हैं एक ग्राउंड लेवल तो एक आम इंसान के उत्ते की फर्क पेगी। अज हिंदुस्तान की सरकार अनाज वालों रज चुकी है, हूँ इन्हों मानक दिख रहे हैं। हूँ मानकों की होगा, ये नमी ज्यादा है जी, ये फ्रैक्शन बहुत है, टोटा बहुत है, नुक्स कट्ट गए हूँ वो की होगा, वो जे एम एस पी रही भी है इन्होंने वो जी फसल है वह बहर कट देना, यदा ही सब स्टैंडर्ड है। प्राइवेट अदारा सस्ते भावते कौडियों के भावते खरीदेगा भी यदि तो कोई वैल्यू नहीं है, एडिया चौड़िया चौड़िया सड़क बनाती, एक साढ़े प्रधान जी कहते चाहे बंब मार लियो ता नहीं टुटनिया, हूँ आम बंद ने स्कूटर से जाना वो बंब कितने मार लूगा। बेसिकली उही गल है जी, जियो पॉलिटिक्स चल रही है इतने पूरे वर्ल्ड के बिजनेस क्लास की, इन्होंने बॉर्डर बिजनेस पे खोलने हैं, अज खोलन कल खोलन, आही हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्त हो जाएंगे, ये बिजनेस वास्ते कोरीडोर खोले जाएंगे। सत श्रीकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब का स्वागत है। तीन काले कानून रद्द करवाउण वास्ते अज भी किसान जो दिल्ली के बदूहां ते बैठा ते पंजाब दे विच भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हुण एफ सी आई दे मूहरे भी किसानों ने धरना दिता सी, जो कि किसान संयुक्त मोर्चे की कोल सी। हुण जानन दी इत्थे कोशिश करनी पैनी है कि एफ सी आई दे किहड़े किहड़े नियम ने जो किसानों नूं काले कानून दे जो बिल आए ने उस लई ते लैके जांदे ने, इसनों कोकन की लोड़ है, और किहड़े किहड़े नियम इस विच होर बनाए गए ने जां हुण तक लागू भी नहीं होए। पिछों चिट्ठी आ गई है केंद्र सरकार की, पर एफ सी आई ने विरोध तो बाद नियम लागू नहीं किए, शायद हो सकता कि अगले साल भी हो जाए, ये तो कयास ही लगाई जा सकती हैं अपने पर आने वाले समय की गल है। किसानों डायरैक्ट पेमेंट को लैके बड़ी समस्या आ रही थी कि डायरैक्ट पेमेंट जी है वो ना की जाए, आड़ती वालों ही की जाए, उस पर भी चानना पावेंगे। नमी को लैके भी गल करेंगे कि नमी जी सरकार ने घटा दी है, और वड्डियां वड्डियां सड़कों की भी गल करांगे जो पंजाब विच बनिया ने, क्यों बनाई गई ने। सन रविंदर सिंह मौजूद ने, आपां उन्हां नाल गलबात करांगे, शुरुआत करांगे कि एफ सी आई दी नियम जिहड़े बने ने वो किसानों वास्ते की कहिंदे ने। रविंदर भाई खालसा भाई की फतेह। फतेह जी, मेरा पहला सवाल यही है कि एफ सी आई की गल कर लीए, जो कि तुहानूं याद होना किसान संयुक्त मोर्चे की कोल भी सी कि एफ सी आई दे मूहरे धरना देना, पहला किसानों नूं सौखे शब्दों नाल दस दो कि एफ सी आई दे नियम किहड़े किहड़े हैगे ने। देखो जिहड़ा हुण अपना किसानी अंदोलन चल रहा है, इन दबण वास्ते सरकार वक् वक् अपने पैंतरे बदल रही है। हुण उहदे तहत इन्होंने एफ सी आई एक निर्देश जारी किए, तो एफ सी आई ने अगे फरदर इन्हों लागू करने वास्ते कहा, जिदे एक तो डायरैक्ट अदायगी सी भी जी पेमेंट है वो डायरैक्ट किसान के खाते जाएगी। हुण डायरैक्ट अदायगी का मतलब यह है भी पंजाब हरियाणे दे विच बहुत सारिया जमीना ऐसा जिहड़ियां हले दादे पड़दादे नौते ही खड़ियां, वो हले उन्होंने भावों की आपसी बन नहीं हुई, तकसीम नहीं हुई, तो इंतकाल नहीं चढ़े हुए। दूजा एक बहुत वड्डा तबका जिहड़ा ठेके से खेती करता, जमीन अपना ठेके दे भरा दी जमीन ठेके से बाहर है, एक नौकरी कर रहा है, एक खेती कर रहा। सो हुण इन्हां चीज़ां नूं लेके बड़ा असमंजस है भी ये जिहड़े लोग हैं भी वो पेमेंट किन्हां नूं मिलेगी। हुण मेरे नाम जमीन है, मेरे नाम डायरैक्ट पेमेंट आ गई, मैनूं प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दादे नौ जमीन खड़ी है, दादे दे अगे चार बेटे हैं, उन्होंने अगे दो दो बेटे हैं, हुण खेती उन्होंने दो कर रहे हैं, पेमेंट कि खाते जाएगी। चार भरा हैं, एक खेती कर रहे हैं, तीन नौकरियां कर रहे हैं, चार नौ जमीन है, फर्द के चार दिनों चढ़ी हुई है, पेमेंट कि कोल जाएगी। ये मतलब जी डायरैक्ट अदायगी है, ये परिवारों से भी कलेश पाएगी, समाज से भी कलेश पाएगी। हुण एक उन्नत समाज सी पंजाब हरियाणे का, जिदे च आड़ती एक कड़ी है बहुत सरकार ते किसानी दे विच, ते आड़ती नूं जिहड़ा इन्हां ने बचोलीए कह कह के भंडिया या उदों गलत शब्द इस्तेमाल करें, जबकि वह सर्विस प्रोवाइडर सी सरकार दा, किसानां ते सरकार दे बचाले उहदा काम सीगा भी फसल नूं इकट्ठी करके साफ करके सरकार नूं अगे देना, ते सरकार ने उहनूं उहदी परसेंटेज देनी है। हुण उह सिस्टम नूं तोड़ के इन्हां ने, क्योंकि इन्हां सरकार नूं लग रहा है भी कितना कितने जिहड़े आढ़ती हैं यही इस अंदोलन
पुशअप दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं अपने आप नूं बचाउण, जबकि किसानी की लड़ाई है उहदे विच इह आड़तियां नूं वी पीसण नूं तैयार हो गए। सो कहण दा मतलब यह है भी आड़तिया किसान ते सरकार जे तुसीं पिछले 70 साल दा देखो इस देश नूं उन्नति पहुँचाउण वास्ते आड़ती किसानी की जिहड़ी आपसी किसान दी दा बहुत वड्डा हथ है, क्योंकि जो भी किसान ने फसल बीजनी है ट्रैक्टर खेत च बाड़ना है तो उहदा साथ आड़तिया ही दिंदा, कोई सरकार ते कोई बैंक नहीं दिंदी। अच्छा तुसीं हुण गल कीती है कि डायरैक्ट अदायगी जिहड़ी हैगी सरकार उह करना चाहुंदी, इह नियम लागू है, इह नियम एफसी ने कहता लागू करो, उह सब तो वड्डी समस्या ही है नियम लागू हो जाता है, पर तो यह सवाल है कि नियम लागू हैगा हुण इदां ही होगा कि हुण आड़तियों कोल पैसे ले जाणगे? नहीं, इस बार जो सानूं पता लग्गिया भी जिहड़ा इस सीजन वास्ते इहनूं सस्पेंड कर दिता गया, पर अज नहीं तां कल लागू कर। अच्छा हुण तुसीं कहिंदे कि हुण सस्पेंड किया गया सीजन, जे लागू करते हैं जे अदायगी सीधा होंदी है जिवें तुसीं जिक्र कर रहे हो कि दादे दे नां दे जे जगह बोलदी है ते बाकी अगे उहदे पुत हैगे ने पोते हो गए, वह पेमेंट किहनूं जाऊगी, कोई खेती नहीं भी करदा उहदे विच्चों, जे कोई इन्हां दी भी हैगे ने इन्हां दी जमीना दे के चले गए ने बाहर बैठे ने, जो उन्होंने अकाउंट च पैसे जाणगे पैसे निकलणगे किवें, इह वी सानूं वड्डा सवाल है। फर्दां दी गल कर लईए, फर्द नूं लैके की समस्या है, की वाकई ही जे नियम लागू होणगे किसान नूं फर्द दिखाउणी पैणी है? फर्द एफ सी आई ने फर्दा मंगिया भी जे हुण मैं 10 किलियां की कणक बीजी है तो मैं फर्द देनी पैने भी आ मेरी जमीन है, आ जमीन के उत्ते 10 किलियां के उत्ते मैं कणक बीजी हुई है तो इहदी जिहड़ी पेमेंट है मैनूं मिलनी चाहिए। हुण फर्द जिहड़ी है फर्द हुण जे मैं मेरे नाल दो किले बोलदे हैं, 8 किले मेरे को ठेके दें, 10 किले कणक है मेरी, हुण डायरैक्ट पेमेंट तो मेरे को 2 किलियां के पैसे आउणगे, 8 किलियां के पैसे तो जिहड़े उन्होंने मालक हैं उन्होंने खाते जाएंगे। सो जिहड़े ये रूल्स लेके आ रहे हैं एसी कमरे च बैठ के जिहड़े रूल ड्राफ्ट करते हैं इहदे नाल जिहड़ी आम लोग हैं, क्योंकि ये जमीन पर पैर नहीं रखते जिहड़े पॉलिसी बनाउंदे, इन्हां ने नहीं देखिया भी इस जिहड़ी तुसीं रूल्स बनाने इहदे नाल एक ग्राउंड लेवल ते एक आम इंसान दे उत्ते की फर्क पएगा। हुण एक मार्जिनल फार्मर 2.5 किले 3 किले 5 किले आला उहदा जिहड़ा घर बार है उहदा जिहड़ा सारे साल का सिस्टम है वह आड़ती नाल मिल के चलता। तुसीं हुण नमी की गल कर रहे थे, मैं कहना पूरी डिटेल च दसो कितनी नमी है, किस कि मोर्चे की तुसीं गल कर रहे सो चीनों लैके, एक किवें तय किया गया, क्यों घटाई गई है नमी सरकार वालों केंद्र सरकार ने जो हुण फसल चकनी है? तो देखो जिहड़ी कणक है कणक दे विच नमी इन्होंने 14% तो घटा के 12% करती है, जीरी दे विच 18 तो घटा के 12% करती है। हुण असल च की है भी जदों तां असीं मैनुअली कणक या जीरी कढ़दे सी अगे कणकों आप हथ ना बढ़ के उन्होंने झाड़िया जाता सी तो ऑटोमैटिकली कई कई दिन वह धुप्प च पईयां रहिंदियां सी, उहदे च जिहड़ी नमी है वह बहुत ही मिनिमम साइड पर हुंदी सी, पर हुण जिवें मैकनाइज्ड हो गया सारा, हुण जिहड़ियां कंबाइनां ने कणक झोना वड्डना तो वह तो थोड़ी जी नमी दे विच ही कट्टणी पैंदी, हुण माड़ी उहदे जिहड़ी नमी है वह 20-22% के करीब तो हुंदी है, फिर उन्होंने सुकाना पेगा, हुण सुकाउण दे विच फिर लोडिंग अनलोडिंग दे विच मतलब एक तरह ना किसान परेशान करन दी गल है, नमी घट होनी वध होनी उहदे नाल कोई क्वालिटी दा फर्क नहीं पैंदा। हुण एफ सी आई ने जदों इन मास खरीदना उन्हों परचेजिंग करनी है वड्डी मात्रा दे विच ते उस तो बाद किन्ना चिर इन्हां दे गोदामां च पई रहणी है। अच्छा नमी की सरकार गल करी तुम हम जिम्मे जिक्र कर रहे हो फसल का कि 14 तो 12 नमी जी सरकार ने करती है, क्यों की है? जे किसान 12 नहीं पूरी कर पाता तो उस बाद प्राइवेट अदारे जो पहले किते जिक्र आ रहा कि जो सरकार इस चीज़ नियम लैके आ रही है कि इस पास हो गई है कि प्राइवेट अदारे खरीदन, तुम लगता फिर प्राइवेट अदारे एंट्री करेंगे भी ठीक है तुम्हारी किसान फसल नहीं खरीदते तो असं खरीदा असं प्राइवेट प्लेयर हाँ? देखो जेडे इन्होंने मानक हूँ गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली जी वो कर रही है, एक रजे बंदे की गल होंगी जो बंदा रज जाता ना फिर वो खाण च कमियां पेशियां कढ़न लग जाता, नूण नहीं मिर्च ज्यादा ये फलाना कुछ है, हुण जिहड़ा बंदा भुखा हुंदा उहनूं सब कुछ हुंदा भी यार मैनूं दो कि जो भी है मैं अपना ढिड भरना है। हुण वह सेम हालात हिंदुस्तान की सरकार की आ गई, अज हिंदुस्तान की सरकार अनाज वालों रज चुकी है, हुण इन्हां नूं मानक दिख रहे हैं, हुण मानकां च की होएगा इहदे च नमी ज्यादा है जी, ये फ्रैक्शन बहुत है टोटा बहुत है ये किसी होर चीज़ का मिक्सचर है नुक्स कढ़णगे हुण उहदे नाल की होगा वह जे एम एस पी रहिंदी भी है इन्हां ने वह जिहड़ी फसल है उहनूं बाहर कढ देना, इहदा ही सब स्टैंडर्ड है।
हुण सब स्टैंडर्ड आ गई। सब स्टैंडर्ड एक प्राइवेट अदारा सस्ते भावते कौडियां दे भाते खरीदेगा भी इहदी तां कोई वैल्यू नहीं है। जो सरकार कहती भी है एम एस पी खत्म नहीं हुई पर नवी खत्म करके एम एस पी खत्म कर दिया। नवी खत्म करती नवी थोड़ी घटाती हूँ या तो उन्होंने पहला फसलों जिन्ना चेर प्रोपर ही सका सकू के नहीं ले जाते इन्हे थोड़ी दूजी फसल की तैयारी हो जाती है। तो किसी ना किसी रूप से किसानों परेशानी वाल तकन की वह है भी जी एम एस पी का इन्होंने रौला पाया है क्योंकि एम एस पी के उत्ते सरकार फस चुकी है। सारे हिंदुस्तान को पता लग गया भी साढ़े नाल जो हिंदुस्तान का किसान है भी सरकार किमें ठगी मार रही। जो सरदार कैरों तो सर छोटू राम की एक ए एम एम सी जी उन्होंने बनाई थी मंडीकरण किया स्टेटा का उदे नाल साडी किसानी उन्नत हुई है आम बंदा उन्नत होया। हुण जदों हिंदू सारे हिंदुस्तान ने देखा भी किसानी साडी कित्थे मर रही है इस अंदोलन ने एक नवां लोकां नूं राह दित्ता लोकां नूं एक रोशनी दिखाई तो सारे पासे एम एस पी की गल होण लग गई मंडियां की गल होण लग गई। तो हुण सरकार इहदे विच फस गई है हुण सरकार ने एम एस पी के उत्ते लोकां नूं फसाउण की कोशिश करी आ नवे माणक लिया के नमी घटा दो किसान आपे परेशान होगे ते प्राइवेट अदारे नूं विच अगे हुण जिहड़ा अपना फूस चले जाता जीरी ची। माता 2% सी वह घटा के 0.5% करती हूँ 100 किले जिन्हें जीरी लाई हुई है 50 किले लाई हुई है 20 किले लाई वो की कर कि बार पखे फेरता फिर जूगा। एम एस पी मतलब फिर कि सरकार जो गल कर रही है जो जिक्र कर रहे हो कि नमी घटा दी फिर एम एस पी का क्या मतलब है। एम एस पी का यही रह गया ना भी तुम जे तो प्रोपरली जे हूँ 100 बंदे जो 10 बंदे शर्तों पूरे करे 90 बंदे एम एस पी तो बहर हो जाएंगे ठीक है ना। हुण जब उन्होंने वो मानक पूरे नहीं होने हुण जिहड़े बंदे 10 बंदे होंगे वो भी मार्जिन होंगे छोटी जमीन वाले होंगे जिन्होंने चलो बार बार सफाई करके इसका के ले गए वो 10 बंदे तो एम एस पी च आ जाएंगे बाकी बहर हो जाएंगे। एफसी दे एसी रूल नूं लैके जिहड़े हैगे ने लोग उन्हें किसान ने उन्होंने पकड़िया जा रहा जे बिल नहीं लागू हो रहे तो इस पासों की लोगों खिंचो एम एस पी तो बाद करो तो प्राइवेट प्लेयरों नूं इस सारी फसलां जा इन्होंने प्राइवेट प्लेयरों नूं ही लियाउण वास्ते 100 चलाकियां चालां खेडणगे क्योंकि किसानों नूं उलझा के रखना चाहते हैं। हुण गल ये है भी प्राइवेट जिहड़े प्लेयर्स हैं चाहे वह अडानी है चाहे अंबानी है चाहे होर इन्हां तों बिना भी हैं वो ऑलरेडी इत्थे करोड़ां रुपए अरबां रुपए इनवैसट कर चुके हैं। जदों उन्हां दा सारा सिस्टम तैयार हो गया उन्हां नूं सिलोज बन गए रेलवे कनैक्टिविटी मिल गई प्राइवेट रेलां मिल गई उन्हां नूं अपनियां उस तों बाद लिया के इस मौके ते इन्हां ने बिलां नूं लिया के इस थोपता है कि उन्हां दा एक दिन भी वेस्ट ना होवे जिस दिन उन्हां दा सिलोज दा दरवाजा खुल गया तो सीधा अनाज उन्हां दे अंदर जावे। तो सड़कां दी भी गल कर रहे सी पंजाब च सड़कां बनाउण दा की मतलब इन्नी वड्डी वड्डियां भी बड़ी हरे जो भी पंजाब च सरकार रही है वह इस चीज़ नूं बड़ा लाहा लैंदी थी भी असीं बड़ा विकास कीता है ये विकास होया किस वास्ते है। देखो सड़कां विकास नहीं हुंदी सरकार तो शब्द ने मेरे नहीं ने यह सरकार वोट ला के कहती है कि बड़ा विकास हो गया सड़कां दा रूल दिखाती है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है ठीक है हुण जिहड़ियां कह रहे हैं भी असी एडिया चौड़िया चौड़िया सड़क बनाती एक साढ़े प्रधान जी कहते चाहे बंब मार लियो तो नहीं टुटनिया हूँ आम बंद ने स्कूटर जाना वो बंब कितने मार लूगा। बेसिकली उ गल है जी जियो पॉलिटिक्स चल रही है इतने पूरे वर्ल्ड के बिजनेस क्लास की इन्होंने बॉर्डर बिजनेस खोलने हैं अज खोलन कल खोलन पाकिस्तान जोड़ा अटारी है कटड़े तो यह खोलन गए ताकि इन्हों की जी पहुँच है अडानी अंबानी होर बिजनेसमैन की सेंट्रल एशिया यूरोप तक हो सके बाय रोड क्योंकि बाय शिपिंग तुम देख लो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हौली हौली जी ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप है वह भी महंगी भी होंगी जा रही है तो वह एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करी जा रही हो जा रही है जिमें स्वेज नैल के शिप फस गया तो इन्हों का खरबा रुपए का नुकसान कुछ दिन हो गया। हुण इन्हां नूं इन्हां ने एक देखना भी जिहड़ी थोड़ी आपसी जिहड़ी पॉलिटिक्स है या आपसी लड़ाई है वह बिजनेस तो थल्ले है बिजनेस पहला है आही हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्त हो जाएंगे ये बिजनेस वास्ते कोरीडोर खोले जाएंगे। हुण जिवें खोले प्राइवेट लोगों जो कि जाएंगे प्राइवेट प्लेयर वास्ते सरकार नहीं चाहूगी कि आम लोग बिजनेस कर ना 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 हुण देखो जिदन सिलोज वास्ते जमीन अक्वायर करी क्या आम बंदे नूं पता सी उदों तरक्की का ही दिखाया जा रहा सी भी तरक्की हो रही है पता नहीं की बन जाना उस तो बाद सिलोज बन गए लोगों को फिर नहीं समझ आई भी की बन गया वो तो जदों वो अपना लिया के सिस्टम नाल थोड़ी फसलों नूं खोण लगे थोड़ी लुट पाउण लगे उस दिन लोगों को पता लगे भी ये गेम की है। हुण दूजी है कि सड़कों की एलीवेटेड रोड्स की या तो इधर कोई बहुत वड्डे इंडस्ट्रियल हब होण उन्हां नूं मन्निया जा सकता भी
इंडस्ट्रियल हब नूं असीं ट्रांसपोर्टेशन हब नाल जोड़ना है। सानूं चौड़ियां बहुत चौड़ियां सड़कां दी रोड है, एलीवेटेड सड़कां दी लोड़ हैगी है। हुण जिहड़े बॉर्डर स्टेटां दे विच तुसीं दस्सो वी कित्थे इंडस्ट्रियल हब है, उत्थे छोटियां फैक्ट्रियां उन्नीक जोगियां दा सड़कां ऑलरेडी एग्जिस्ट करदियां। ये जिहड़े हुण सपने दिखाए जा रहे हैं तरक्की दे लोकां नूं, ये अपना बिजनेस चमकाउण वास्ते है। ये सिलोज दे विच इत्थे इन्हां दी स्टोरेज होणी है, इत्थों ये सेंट्रल एशिया यूरोप तक दी इन्हां दी बिजनेस चलने। सड़कां वड्डी बनाई जा रही, बिल्कुल ये एक तरह नाल पंजाब नूं उजाड़िया जा रहा है। वह चाहे स्टोरां दे तौर पर होवे, सड़कां दे तौर पर होवे, तुसीं ये देखो भी आम बंदे की किन्नी जमीन इन्होंने सड़कां दे विच वेस्ट करती है अक्वायर करके, तो उन्हों तरक्की दा उदया जा रहा। सो सड़क नाल तरक्की नहीं होंदी, एक का साधन हुंदा सड़क, पर सड़क तरक्की नहीं होंदी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਫ ਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲੇ ਐਫ ਸੀ ਨੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਜ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।